Hello everyone, this is Sumit. Welcome to our YouTube channel that is Avision Institute, Avision for Government Job. आज का जो करंट अफेयर है दैट इज बेस्ड ऑन 12th June 2019. आज का करंट अफेयर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बन सकता है उसको लेकर डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं आज का करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन दैट इज रिसेंटली इंडिया साइंस हाउ मेनी एग्रीमेंट विथ द मालदीव्स. मतलब रिसेंटली इंडिया ने मालदीव का साथ कितना एग्रीमेंट साइन किया है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई 6. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए हम लोग का जो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मालदीव में गया है. तो मालदीव जाने के बाद उनको जो मालदीव का जो हाईएस्ट अवार्ड ठीक है उस कंट्री का जो हाईएस्ट अवार्ड निशान इजुद्दीन इस अवार्ड को दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ठीक है. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मालदीव का जो प्रेसिडेंट उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली ये दोनों के बीच में 6 एग्रीमेंट साइन हुआ है ठीक है. तो नेक्स्ट स्लाइड में जो 6 एग्रीमेंट साइन हुआ है उसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए जो 6 एग्रीमेंट है पहला नंबर क्या है कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोग्राफी. उसके बाद कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ. उसके बाद कस्टम्स कैपेसिटी बिल्डिंग बिटवीन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एक्सेसेस एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया एंड द मालदीव्स कस्टम सर्विसेस. नंबर 4 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो सर्विसेस बाय सी. ये दोनों कंट्री के बीच में इस एग्रीमेंट साइन हुआ है. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट साइन हुआ है द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस इंडियाज लीडिंग सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन has entered into a memorandum of understanding with Maldives Civil Services Commission for capacity building of 1000 Maldives civil servants over the next 5 years. मतलब इंडिया का जो लीडिंग सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है NCGG मतलब नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ठीक है. इसके साथ क्या हुआ है जो मालदीव्स का जो सिविल कमीशन है इसका साथ एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कि 1000 मालदीव्स सर्वेंट्स मतलब क्या हुआ है मालदीव सिविल सर्वेंट्स क्या हुआ बिल करेगा अगले अगले 5 साल के लिए ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो है आपका शेयरिंग व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स ठीक है. तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इससे जुड़े हुए और क्या क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है विच इंस्टीट्यूशन साइंड एंड मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग विथ द मालदीव सिविल सर्विसेज कमीशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ 1000 मालदीव सिविल सर्वेंट्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर. तो देखिए कौन सा इंस्टीट्यूशन मालदीव सिविल कमीशन का साथ एग्रीमेंट साइन किया है अगले 5 साल के लिए 1000 क्या आपका मालदीव सिविल सर्वेंट्स तैयारी करेगा ठीक है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दैट इज द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ठीक है. तो देखिए मालदीव्स का अगर बात हुआ है तो मालदीव्स का जो क्या क्या स्टैटिक एग्जाम के लिए बन सकता है एक बार देख लेते हैं. देखिए मालदीव का जो प्रेसिडेंट का नाम क्या है इब्राहिम मोहम्मद सोली ठीक है. उसके बाद जो कैपिटल है मालदीव का जो कैपिटल कहां पर है माली में और करेंसी क्या चलता है मालदीवियन रुपया ठीक है. तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इस सेशन का जो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ठीक है. मतलब हाल ही में कौन सा इंडियन क्रिकेटर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा घोषित कर दिया गया. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई युवराज सिंह ठीक है. तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए युवराज सिंह जो है इंडिया का पहला बैट्समैन जो 2007 जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंग्लैंड के विरुद्ध 6 सिक्स मारा था एक ओवर में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया. उसके बाद 2011 में जो आपका 50-50 वर्ल्ड कप जो क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश श्रीलंका और इंडिया में हुआ है तो उसमें मैन ऑफ द सीरीज घोषित हुआ था. और उसके बाद उनका एक कैंसर हुआ था लेकिन कैंसर का साथ बैटल करके फिर क्या हुआ है क्रिकेट का मैदान में रिटर्न किया था. लेकिन उसके बाद जो
2019 में उसे अलविदा घोषित कर दिया गया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। तो नेक्स्ट स्लाइड में एक बार देख लेते हैं इनका जो टोटल रन कितना है। तो देखिए टोटल ओडीआई मतलब वन डे इंटरनेशनल कितना खेला था 304 और टोटल जो रन्स बनाया था 8701 रन्स। ठीक है, टोटल टेस्ट कितना खेले थे 40 टेस्ट खेले थे, टोटल जो रन बनाए थे वो है 1900 रन्स। ठीक है, उसके बाद टी ट्वेंटी कितना खेले थे 58 और टोटल रन जो बनाए थे 1177 रन्स। ठीक है, तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सेशन का जो थर्ड क्वेश्चन, Who won the French Open title 2019 in men's singles category? ठीक है, मतलब 2019 में जो French Open title हुआ है इस खेल में जो men's category मतलब men's single category में कौन जीता है? तो इस question का answer क्या हो जाएगा? That is option number D, Rafael Nadal. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 2019 का जो आपका फ्रेंच ओपन 2019 हुआ है इसमें राफेल नदल जो ऑस्ट्रिया का डोमिनिक थेम जो है उनको हराकर जो इस साल का जो फ्रेंच ओपन टाइटल 2019 जो मेंस सिंगल ओपन का खिताब जीता है। ठीक है, देखिए अगर ओपन क्या होता है आपका ओपन टाइटल का बात हुआ है टेनिस टूर्नामेंट का बात हुआ है तो इसके पहले जो सेशन में कुछ आपका टेनिस टूर्नामेंट के बारे में डिस्कस किए थे कि कौन जीता है तो उसको लेकर एक बार रिवीजन कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है नोवाक जोकोविच जो ऑस्ट्रिया से है सॉरी सर्बिया से है। ठीक है, उसके बाद मद्रिद ओपन 2019 उस खिताब को कौन जीता है मेन सिंगल कैटेगरी में वो भी नोवाक जोकोविच है, उन्होंने भी सर्बिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एटीपी मियामी ओपन टाइटल 2019 का खिताब मेन सिंगल्स में कौन जीता है उनका नाम है वन एंड ओनली रॉजर फेडरर। ठीक है, तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो ए सेशन का जो फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लीड द इवेंट ऑफ हैशटैग योगा डे 2019 एट विच सिटी। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मतलब इस साल जो आपका इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून मनाया जाएगा तो इसका मेन इवेंट में डेलीगेट करेगा लेकिन मेन इवेंट कौन सा सिटी में हेल्ड हो रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी रांची द कैपिटल ऑफ झारखंड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इस साल 2019 में जो आपका इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा उसका जो मेन इवेंट इंडिया में कहां पर हेल्ड होगा रांची में। ठीक है, उस जो मेन इवेंट होगा इसको इसमें डेलीगेट कौन करेगा जो हम लोग का कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस इवेंट में अराउंड 30,000 पीपल पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर झारखंड का बात हुआ है तो झारखंड के जो स्टैटिक जीके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट स्लाइड में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए झारखंड का जो चीफ मिनिस्टर का नाम है रघुवर दास, उसके बाद गवर्नर का नाम क्या है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और नेशनल पार्क क्या क्या है मतलब इस नेशनल पार्क जब लाइक बेटला नेशनल पार्क तो इस जो बेटला नेशनल पार्क कौन सा स्टेट में है, इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा गया और आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेटला नेशनल पार्क कौन सा स्टेट में है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दैट इज झारखंड। ठीक है, और कुछ कुछ सेंचुरी है क्या क्या है आपका डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी और पालामू वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी। ठीक है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट क्या क्या है अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, ये टू एयरपोर्ट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट में है। ठीक है, और कुछ आपका डैम है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया कि माइथन डैम और उसके बाद पंचेत डैम कोनर डैम और कंडोली डैम ये कौन सा स्टेट में है तो इस क्वेश्चन का तब आंसर क्या हो जाएगा दैट इज झारखंड। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सेशन का जो फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एयरलाइंस नेम्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयर सर्विस फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम। मतलब कौन सा कंट्री का जो एयरलाइन सर्विसेज है जिसको वर्ल्ड का मोस्ट पंक्चुअल एयर सर्विसेज घोषित किया गया फॉर सेकेंड टाइम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। तो देखिए श्रीलंका का जो एयरलाइन सर्विसेज है
ठीक है, उस एयरलाइन सर्विसेज को घोषित किया गया कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइन है, ठीक है। और ये जो आपका रिपोर्ट घोषित किया कौन है, जिनहुआ न्यूज एजेंसी, ठीक है। इसे टोटल जो आपका रेटिंग पॉइंट मिला है आपका कितना, 91.37% आउट ऑफ 100%, ठीक है। तो देखिए, अगर श्रीलंका का बात हुआ है तो श्रीलंका के बारे में कुछ स्टैटिक एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्रीलंका का जो कैपिटल का नाम क्या है, एक है कोलंबो और एक न्यू नाम, एक न्यू कैपिटल हुआ है जो नाम है आपका श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंसी चलते हैं, आपका श्रीलंकन रूपी, और श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट का नाम क्या है, उनका नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस सेशन का जो सिक्स क्वेश्चन क्या पूछा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इलेक्टोरल ऑफिसर फॉर बीसीसीआई एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब किन को आपका इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया जो बीसीसीआई का जो एनुअल जनरल मीटिंग होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एन गोपालास्वामी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एन गोपालास्वामी। तो एन गोपालास्वामी क्या है, आपका फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनको क्या किया आपका इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया जो बीसीसीआई का जो एनुअल जनरल मीटिंग होगा, ठीक है। ये मीटिंग कब होगा, 22nd October 2019 में, ठीक है। द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स विच वॉज अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन January 2017 टू ओवरसी द स्वीपिंग रिफॉर्म्स रिकमेंडेड बाय द लोधा पैनल, ठीक है। तो देखिए, अगर बीसीसीआई का बात हुआ है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कब हो, क्या हो जाएगा, दैट इज मुंबई, ठीक है। और बीसीसीआई का चेयरमैन का नाम क्या है, शशांक मनोहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, क्वेश्चन नंबर सेवन, इस सेशन का जो सेवन क्वेश्चन, हु रोट द बुक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, मतलब ये जो बुक है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, इस बुक को कौन लिखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आशीष राय, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज आशीष राय। तो देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड द इंडियन चैलेंज, ठीक है, इस बुक किसके बेसिस में लिखा हुआ है, किस बेसिस में लिखा हुआ है, ऑन द हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव बेसिस करके इस बुक को लिखा गया, ठीक है। और इस बुक को लॉन्च कौन किया है, टॉम हैरिसन, जो वेल्स क्रिकेट बोर्ड का क्या है, आपका एग्जीक्यूटिव है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो उसके बाद एक बार देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, जो पिछले जो सेशन में हम डिस्कस किए थे, जो पिछले कुछ बुक को लेकर जो कौन लिखा है, तो एक बार रिविजन कर लेते। तो देखिए, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म कौन लिखा है, एन के सिंह, ये जो आपका बुक का नाम बता रहा है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बुक क्या है, एवरी वोट काउंट्स, ये कौन लिखा है, आपका नवीन चावला, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बुक है, द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, हाउ नरेंद्र मोदी स्क्वंडर्ड ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी, ये कौन लिखा है, आपका उनका नाम है सलमान अनीस सोच, ठीक है। और नेक्स्ट एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है, कुंदन साइगल्स लाइफ एंड म्यूजिक, तो इस बुक को कौन लिखा है, आपका शरद दत्त, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इस सेशन का जो आपका एट क्वेश्चन क्या पूछा है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट्स अप कमिटी ऑन कॉर्पोरेट लोन्स, ठीक है, हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटी, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट लोन के लिए एक कमिटी बैठाया है, जिस कमिटी का हेड कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टी एन मनोहरन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज टी एन मनोहरन। तो देखिए, हम लोग का देश का जो आपका सेंट्रल बैंक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेकेंडरी मार्केट के लिए एक कॉर्पोरेट लोन के लिए आपका क्या किया, एक कमिटी गठन किया, जिस कमिटी क्या है, सिक्स मेंबर का कमिटी,
ठीक है, तो इस कमिटी का हेड कौन है, टीएन मनोहरन, जो चेयरमैन ऑफ कनरा बैंक। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाकर दे सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट लोन के लिए जो कमिटी बैठा है, जिस कमिटी का हेड है टीएन मनोहरन, ठीक है, तो उस कमिटी का टोटल मेंबर कितना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 6। ठीक है, और कॉर्पोरेट लोन क्या है, देखिए कॉर्पोरेट लोन लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए जो लोन दिया जाता है, तो उस लोन को क्या बोला जाता है, आपका कॉर्पोरेट लोन। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द इस सेशन का, जो आपका नाइन्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, आईसीएटी, आईसीएटी का फुल फॉर्म क्या है, आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईसीएटी रिलीजेस इंडियाज फर्स्ट BS6 सर्टिफिकेट इन डैश व्हीलर सेगमेंट, मतलब रिसेंटली आईसीएटी रिलीजेस इंडियाज फर्स्ट BS6 सर्टिफिकेट जो रिलीज किया है वो कितना व्हीलर सेगमेंट के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टू व्हीलर सेगमेंट के लिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने एक इंडिया का फर्स्ट टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया है जो भारत स्टेज 6 के लिए, कि टू व्हीलर सेगमेंट के लिए इस सर्टिफिकेट को रिलीज किया गया। ठीक है, और ये जो भारत स्टेज 6 जो है, एक ऐसे मतलब आपका इंजन है, जो इंजन के द्वारा कोई आपका जो एयर पोल्यूशन जो है वो कम होगा भारत स्टेज आपका 5 और 4 के तरफ से। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच कंट्री एट टॉप इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019, मतलब इस साल जो 2019 में जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग हुआ है, तो इस रैंकिंग में टॉप पर कौन सा कंट्री है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। ठीक है, तो देखिए जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 का जो लिस्ट आपका रिलीज करते हैं कौन, आईएमडी, मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने इस लिस्ट को रिलीज करते हैं, इस लिस्ट में टॉप पर जो कौन सा कंट्री है, सिंगापुर, सेकेंड में कौन है आपका, हांगकॉन्ग। ठीक है, उसके बाद देखिए यूएसए जो है वो थर्ड में है, और स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड अरब अमीरात सही वो फोर्थ एंड फिफ्थ में है। ठीक है, और देखिए अगर इंडेक्स का बात हुआ है, तो पिछले कुछ सेशन में हम इंडेक्स के बारे में डिस्कस किए थे, जो इंडेक्स कुछ एक बार रिवीजन कर लेते, तो देखिए 2019 इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो 2019 का जो आपका इंडेक्स फॉर इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस है, इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 19। टॉप पर कौन सा कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इस इंडेक्स में टॉप पर कौन सा कंट्री है, नॉर्वे। इंडिया का रैंक कितना है, 140। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019, मतलब इस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है, 140, और टॉप पर कौन सा कंट्री है, फिनलैंड। और एक लास्ट इंडेक्स है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इस इंडेक्स में टॉप पर कौन सा कंट्री है, स्वीडन, और इंडिया का रैंक कितना है आपका, 76। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टू गेट द लेटेस्ट अपडेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज अविजन इंस्टीट्यूट, अविजन फॉर गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू।